છવ્વીસ જુલાઈને કારગિલ વિજય દિવસ તરીકે દેશભરમાં મનાવવામાં આવે છે ત્યારે સુરતમાં શહીદ વીર જવાનોના પરિવારનું છેલ્લા પચીસ વર્ષથી સન્માન કરવામાં આવે છે આ સાથે જ પરિવારને મદદ મળી રહે તે માટે આર્થિક સહાય પણ અર્પણ કરવામાં આવે છે ત્યારે કારગિલ વિજય દિવસ પર આપણે નિવૃત્ત બ્રિગેડિયરના જીવન વિશે વાત કરવાની છે આ નિવૃત્ત બ્રિગેડિયર ઉપર એક ફિલ્મ પણ બની છે આ બ્રિગેડિયરનું નામ છે બલરામસિંહ મહેતા નિવૃત્ત બ્રિગેડિયર બલરામસિંહ મહેતાનું જીવન પણ કઈક ફિલ્મોથી ઓછું ઉતરે એવું નથી કારણ કે તેમના પર પીપા નામની એક ફિલ્મ પણ બની છે ઓગણીસો ના આ યુદ્ધમાં ભારત દ્વારા પહેલીવાર પાણીમાં તરી શકે તેની ટેન્કને તૈનાત કરવામાં આવી હતી આ સાથે જ આ ટેન્ક દ્વારા પાકિસ્તાનની ટેન્કોને ભસ્મીભૂત કરીને આ યુદ્ધને જીતી લેવામાં આવ્યું હતું ત્યારે આ પીપા નામની ફિલ્મમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલી ટેન્ક હવે સુરતમાં લાવીને સુરતની શાનમાં વધારો કરવામાં આવશે ब्रिगेडियर बी एस मेहता अक्टूबर 1971 में मैं अहमदनगर में पोस्टेड था वहाँ से मुझे uh, जब uh, आर्मी मोबालाइज हुई तो मुझे दिल्ली पोस्ट किया गया मैं काफ़ी अनहैपी था बिकॉज मैं अपनी यूनिट में जो है वापस जाना चाहता था तो तीन ही दिन के अंदर मुझे अपनी पोस्टिंग मिल गई वापस 45 फाइव के अंदर और कुछ ही दिन के अंदर हमको बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय किया गया और ट्वेंटी ऑफ नवंबर 1971 जो काबू रिवर है वहाँ पे रिपोर्ट आई कि एक बहुत बड़ा दुश्मन का अटैक जो है होने वाला है जिसके अंदर पाकिस्तान की एक ब्रिगेड और शैफी टैंक जो है वो हमला करने वाले हैं तो हम लोगों ने अपनी पोजीशन ली 21 तारीख सुबेरे बहुत ज़्यादा फॉग था विजिबिलिटी जो है बहुत पुअर थी और सवेरे तकरीबन छः बजे दुश्मन ने हमारे ऊपर अटैक किया और टैंक वस टैंक बैटल जो है शुरू हो गई उसके अंदर चार पांच टैंक्स हमने शेफी टैंक्स जो कि अमेरिकन एम ट्वेंटी फोर टैंक भी कहलाता है उनको हमने बर्बाद किया और उसी टाइम पे एक मैसेज आई मेरे पास कि हमारा जो स्कॉन कमांडर है मेजर डी एस हारग उसकी डेथ हो गई है तो उन सरकम चांसेस के अंदर मुझे आ, जो कमांड है स्क्वाडन का वो टेक ओवर करना पड़ा और उस टाइम पे मेरा जो अपना टैंक है उस गन जो है फायर करना उसने बंद कर दिया था तो हमको तकरीबन दो मिनट और लगे उसको ठीक करने के अंदर क्योंकि जो एमुनेशन है वो, वो सेपरेट हो जाता है प्रोजेक्टाइल से तो करने के बाद ही कुछ हमने अपनी टैंकों की मूवमेंट कराई और शाम तक पूरे के पूरा जो थ्री इंडिपेंडेंट आर्म स्क्वाडन था ऑफ एम ट्वेंटी फोर शेफी टैंक्स उनको हमने बर्बाद कर दिया था और दुश्मन की जो एक ब्रिगेड थी तकरीबन तीन हज़ार आदमियों की उसमें तकरीबन तीन तीन सौ से चार सौ आदमी किल्ड इन एक्शन और काफ़ी जो है हाई लेवल ऑफ इंजरीज हो गई थी अगले दिन फिर पाकिस्तान ने अपने हवाई जहाज़ भेजे आ, सेबर जेट्स पहला अटैक आया दूसरा अटैक आया तकरीबन दोपहर को और उसके बाद फिर तीसरा जब अटैक आया उस टाइम पे हमारी जो एफ ओस उसने भी लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट किया और तीन जो है सेबर जेट्स भी उसी बैटल के अंदर गिराए गए अब क्योंकि अभी तक वॉर जो है डिक्लेयर नहीं हुआ था तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है बन गई और जो यू और यू और यूरोपियन कंट्रीज हैं वर वर्चुअली टेकन बैक क्योंकि पहली बार उन्होंने रियलाइज़ किया कि इंडिपेंडेंट इंडिया अब ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया है कि वो खड़ा होकर मदद करेगा ये दस मिलियन शरणार्थी जो बांग्लादेश के वेस्ट पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान के इंडिया के अंदर आए हुए हैं उनकी मदद करेगा और उनकी लिबर्टी और फ्रीडम के लिए पूरा दिल जान जो है वो लगा देगा और ये जो ख़बर थी ये इंदिरा गांधी जी जो कि हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने फिर पार्लियामेंट के अंदर इसको अनाउंस किया कि क्योंकि पाकिस्तान आर्मी हमारे ऊपर अटैक कर रही थी हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी बट बर इनको बर्बाद जो है करने का और उसी के बाद फिर कुछ दिनों के अंदर जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे याया खान उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया थर्ड दिसंबर को और 16 दिसंबर तक कहानी जो है हमने हिंदुस्तान ने ख़त्म कर दी थी बांग्लादेश जो है बन गया और फ्री कंट्री जो है वो इंडिया ने मदद की फ्रीडम के लिए ये जो टैंक था इसका नाम था एक्चुअली पाला टैंक का पी टी सेवेंटी सिक्स का मतलब होता है टैंक जो कि ज़मीन पे भी काम कर सकता है और पानी में तैर भी सकता है और 76 सिक्स होता है उसकी गन का कैलिबर का और ये जो टैंक है ये रशियन ओरिजिन का था और क्योंकि हमारी लेवल ऑफ ट्रेनिंग और जो जो आ, टैक्टिक्स है वो काफ़ी मज़बूत थे अच्छी लेवल ऑफ ट्रेनिंग थी उसका हम लोगों ने पूरा जो है फ़ायदा उठाया और लड़ाई के मैदान में खड़े उतर पाए ये जो टैंक है ये क्योंकि ये पचास साल से ज़्यादा हो गए हैं तो ये काफ़ी टैंक जो है ये डिस्कार्ड कर दिए गए थे और अब ऐसी पोजीशन पहुंच गई है कि कुछ जो टैंक हमारे बच गए थे वो हमने बांग्लादेश को जो है गिफ्ट कर दिए थे अब पूरी कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही टैंक है जो कि 45 फाइव जो यूनिट है उसके पास पड़ा हुआ है और जब ये पिक्चर बनी उस टाइम पे आठ टैंक पांच जो है टैंक बनाए गए और उसमें से एक टैंक जो है बच गया मेरे रिक्वेस्ट के ऊपर जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने मुझे ये टैंक दिया है और मैं इसको गिफ्ट के तौर पर जय जवान नागरिक समिति को जिन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया हुआ है सूरत के अंदर गुजरात के अंदर आ, जो wounded सोल्जर्स हैं जो मार्टियर्स हैं जो फैमिलीज हैं उनके जो डिपेंडेंट्स हैं और जिस प्रकार से उन्होंने हॉस्टल बनाया है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स ये बहुत ही इंस्पिरेशन काम करती है जय जवान नागरिक समिति वाले इनके जो ट्रस्टीज हैं और इनके जो लीडर हैं कांजी भाई और बहुत ही अदर ट्रस्टी मेंबर्स हैं उन्होंने एक इंडिया के लिए एक एग्ज़ाम्पल जो है खड़ा कर दिया है और मैं चाहता हूं कि ये अगर टैंक ये लोग एक्सेप्ट करें जय जवान वाले तो ये बहुत अच्छी बात होगी और आने वाले दिनों में काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिलेगा हमारी यंग यंग बॉयज़ और गर्ल्स को टू तो जॉइन दी डिफेंस फोर्सेस